और सीधा रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से सामने आ रही है, जहां पर एक वीडियो वायरल हुआ, तो देखिए क्या कुछ हकीकत सामने आई। भोपाल में डीजी स्तर के पुलिस अफसर ने एक वीडियो इनका वायरल हो रहा है, और वीडियो में स्पेशल डीजी पुरुषोत्तम शर्मा अपनी पत्नी को बेरहमी से मारते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो वीडियो भी आपके सामने रखेंगे। आसपास घर में काम करने वाले दो लोग भी इसमें नजर आ रहे हैं। अब डीजी पुरुषोत्तम शर्मा के बेटे ने राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, पुलिस महानिदेशक, मुख्य सचिव और दूसरे वरिष्ठ अफसरों को यह भेजा है। देखिए वीडियो आपके सामने है, इसमें आप देख पाएंगे किस तरह से पिटाई यहां पर पत्नी की जा रही है। बेरहमी से यहां पर पत्नी को पीटा जा रहा है। हालांकि बेटे ने सभी पिता के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है सभी से। फिलहाल पुलिस वीडियो की जांच में जुट गई है। तो पत्नी ने दूसरी लड़की के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़ा, तो पुरुषोत्तम शर्मा ने किस तरह से अपनी पत्नी से मारपीट की। हालांकि अब खुद ही उन्होंने कबूल लिया है कि उन्होंने मारपीट अपनी पत्नी के साथ की है। देखिए तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। पत्नी ने पति को रंगे हाथ पकड़ा, ये आरोप पत्नी के जरिए लगा, और उसके बाद पति ने उल्टा ही अपनी पत्नी को किस तरह से पीटना यहां पर शुरू कर दिया। स्पेशल डीजी पुरुषोत्तम शर्मा का जिक्र यहां पर कर रहे हैं, जो कि इस वीडियो के जरिए आपको साफ दिखाई दे रहे होंगे। पत्नी का सीधे तौर पर आरोप है कि डीजी को उन्होंने दूसरी लड़की के साथ पकड़ा, और उसके बाद देखिए किस तरह से गुस्सा यहां पर फूटा। और सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता शुभम गुप्ता की तरफ। शुभम, क्या कुछ अब अपडेट, क्योंकि जिस तरह से ये पूरा वायरल वीडियो यहां पर सामने आया है, इसे खुद एक्सेप्ट भी यहां पर डीजी कर चुके हैं पुरुषोत्तम, स्पेशल डीजी, कितनी सख्त खिलाफ इनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है आने वाले वक्त में? देखिए ये बहुत बड़ा मामला है, और कल देर शाम इनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, और आज सुबह जो कार्रवाई का आपने जिक्र किया है, गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा से हमने इस बारे में बातचीत की, और उन्होंने कहा है कि मैंने भी इस वीडियो को देखा और सुना है, मगर अभी तक किसी तरह की कोई भी लिखित शिकायत मेरे पास नहीं आई है, तो अभी तक किसी तरह की कोई कार्रवाई भी इस पर नहीं की गई है। तो सरकार का इस वीडियो को लेकर स्पष्ट रुख है कि जब तक उनकी पत्नी की ओर से शिकायत नहीं आती, तब तक हम इस पर कार्रवाई नहीं कर सकते। इसके अलावा एक और कैबिनेट मंत्री हैं उषा ठाकुर, उनसे भी हमने बातचीत की है, उन्होंने भी यही कहा है कि ये उनका घरेलू मामला है, जब तक उनकी पत्नी शिकायत नहीं करती है तब तक हम इस पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। मगर बहुत बहुत शुक्रिया शुभम जानकारी के लिए, आपका आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। लेकिन हैरानी होती है इस तरह की तस्वीर, जब एक अधिकारी स्तर का शख्स अपनी पत्नी को इस तरह से बेरहमी से पीटता है।